बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है क्लास 9 के तमाम स्टूडेंट्स बाकायदा होंगे। बेटा, लास्ट टाइम जो है वो हम अपना पहला चैप्टर द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो सवाल जवाब है, एक्सरसाइज है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। आज हम अपना दूसरा चैप्टर शादुलतीफ पिटाई लेसन देखेंगे। शादुलतीफ पिटाई सिंह के एक मशहूर सूफी शायर और मुफक्किर गुजरे हैं, और बहुत ज्यादा अकीदतमंद जो है उनके आज भी मौजूद हैं, उनके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं, जो उनके मजार पर भिक्षा में जाते हैं, उनके लिए फातिहा खानी करते हैं। आज हम शादुलतीफ पिटाई के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का मजहब है। गॉड सेंट द प्रॉफिट एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की भलाई के लिए भेजा। ही विन पीपल्स हर्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज। आपने लोगों के दिल जीते अपनी शरीफाना तौर तरीके और मेहरबान फितरत से। हिज नोबल एग्जाम्पल वॉज फॉलोड बाय मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स इन ऑल एजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके मानने वालों ने माना, पूरी दुनिया में तमाम अदवार में आपकी आला निशानों को। इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन दैट इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड। यही सूफी लोगों की कोशिशों का नतीजा था कि इस्लाम दूर दराज इलाकों तक पहुंचा। दीज होली मैन वर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग नॉन मुस्लिम्स टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। ये पाक लोग मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए गैर मुस्लिमों को हल्का इस्लाम में लाने में। इन एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री देयर आर शाइंस ऑफ सच सेंट। हमारे मुल्क के हर हिस्से में ऐसे सूफियों के मकबरे हैं। इन लाहौर आर द श्राइन्स ऑफ दाता गंजबख्श एंड मियां मीर साहिब। लाहौर में दाता गंजबख्श और मियां मीर साहिब के मकबरे हैं। इन पाकपतन लिव्ड एंड डाइड बाबा फरीद। बाबा फरीद पाकपतन में रहे और वहीं इंतकाल किया। इन मुल्तान इज द श्राइन ऑफ गौस बाहुलक। मुल्तान में गौस बाहुलक का मकबरा है। इन पिशावर, इन क्वेटा एंड इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज देयर आर द टॉम्ब्स ऑफ दीज मैन ऑफ गॉड। इस तरह बहुत सारे शहरों और कस्बों में ऐसे अल्लाह के ऐसे बंदों के मकबरे और मजारात हैं। इन सिंध आर द टॉम्ब्स ऑफ टू ग्रेट सेंट्स शाह अब्दुल लतीफ एंड कलंदर लाल शहबाज। सिंध में दो अजीम सूफियों शाह अब्दुल लतीफ और कलंदर लाल शहबाज के मकबरे हैं। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ हु इज लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ बाय हिज डिवोटीज बाय वाज बोर्न इन 1102 हिजरा इन स्मॉल विलेज कॉल्ड आला हवेली। अजीम सूफी शाह अब्दुल लतीफ, जिनको के चाहने वाले प्यार से लाल लतीफ भी कहते हैं, पैदा हुए 1102 हिजरी में आला हवेली एक छोटे से गांव में। द गुड मुगल एम्पायर औरंगजेब देन रूल द कंट्री। उस वक्त अजीम बादशाह औरंगजेब मुल्क में हुकूमत करते थे। शाह अब्दुल लतीफ एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध ड्यूरिंग द डे ऑफ टैमरलेन। तैमूर के जमाने में शाह अब्दुल लतीफ के अबाव अजदाद सिंध आए। दे हैड कम फ्रॉम हिरात। वो हिरात से आए थे। सिंध वॉज देन सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह अब्दुल लतीफ एंसेस्टर लाइक इट सो मच दैट दे डिसाइड टू मेक इट टू देयर होम। शाह अब्दुल लतीफ के अबाव अजदाद को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको अपना आबाई घर बनाने का फैसला कर लिया। बट नो वन वुड हैव रिमेम्बर्ड देयर नेम और लर्नड अबाउट देम। लेकिन कोई उनके बारे में नहीं जानता, यहाँ तक कि उनके नाम याद रखता। मेनी सेंचुरीज लेटर, अगर कई सदियों बाद, वन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स, उनके औलादों में सैयद हबीब शाह हैड बीन ब्लेस्ड विद द सन हु ग्रू अप टू बी अ सन लाल लतीफ। उनके सैयद हबीब शाह को अल्लाह एक बेटे से ना नवाजते हैं जो बड़े होकर सूफी लाल लतीफ बने। शाह लतीफ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। शाह लतीफ बड़ा हसास दिमाग रखते थे। हिज हार्ट वाज सून फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी। द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली। कम उम्र में ही आपका दिल जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत से मामूर भी हो गया था, भरा हुआ था, और कुदरत की जो
जो फितरत की जो खूबसूरती थी वो आपके एहसास को पर बहुत तेजी से असरअंदाज होती थी। While he was only a boy, अभी आप जबकि बच्चा ही थे, he started composing poetry, आपने शायरी शुरू कर दी। He was also keen on acquiring knowledge and grew up to be a scholar of Arabic and Persian, आपको इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था और आप बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने। When he was 20, he married a noble and a good lady. जब आप 20 साल के थे आपकी शादी एक शरीफ और अच्छी खातून से हो गई। He showed great kindness to his wife. आपने अपनी वाइफ बेगम के बीवी के साथ जो है वो अच्छा रवैया रखा। And lived at home for many years. और कई अरसे तक कई सालों तक घर में रहे। His heart however turned more and more towards religion and devotion. लेकिन आपका दिल ज्यादा से ज्यादा मजहब और तसव्वुफ की तरफ मुड़ता चला गया। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस इन लिविंग ए नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, और आप एक आम घरेलू जिंदगी में बेचैनी महसूस करने लगे। व्हेन हिज फादर डाइड शालती फ्लेड हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट ऑफ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ शाह अब्दुल लतीफ ने अपना घर छोड़ा और घर से कुछ फासले पर अपने गांव के करीब कुछ फासले पर एक टीले पर रहने लगे। अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट इन सिंधी, रेत के टीले को सिंधी में भिट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट ही लिव ऑन हिज माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि आप सारी जिंदगी आपने अपनी जिंदगी इसी टीले पर गुजारी। शाह लतीफ केम टू बी नोन एज सेंट ऑफ भिट, तो शाह अब्दुल लतीफ यह मशहूर हो गए भिट के सूफी के नाम से। टू दिस डे आज भी ही इज फेमस ऑल ओवर कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ रिटायर और शाह लतीफ ऑफ द माउंट। आज भी आप पूरी दुनिया में शाह अब्दुल लतीफ रिटायर या टीले वाले शाह लतीफ के नाम से मशहूर हैं। एज डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लतीफ लव ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर, लतीफ की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ती चली गई। Until he found pleasure only in devotion and more, spent most of his time in prayer and deep thinking. अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तसव्वुफ और इबादत में गुजारते हैं और गहरी सोच विचारते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. आपकी रूहानी ताकत इबादत और तसव्वुफ से बढ़ती चली गई। So much so that people began to attract it towards him. और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ मुतासिर होने लगे। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways. जो कोई भी आपके पास एक दफा था आपकी शरीफाना तरीकों से बड़ा मुतासिर होता। And his followers increased day by day. और आपके मानने वालों में दिन ब दिन इजाफा होता गया। Close to the mound on which Lal Latif came to live is a natural lake. उस टीले में कभी जहाँ अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ रहते थे एक कुदरती झील थी। His poetic nature loved the calm atmosphere. आपकी शायराना फितरत खामोश फजा से प्यार करती थी। He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. आप अपना ज्यादातर वक्त इस झील के किनारे गुजारना पसंद करते। As he sat there, जब आप वहाँ बैठे होते, he prayed to God, अल्लाह की इबादत करते and sometimes composed verses in his praise, और अल्लाह की तारीफ में अशआर कहते। शाह लतीफ वॉज नॉट ओनली अ सेंट एंड अ पोएट, शाह अब्दुल लतीफ ना सिर्फ एक सूफी और शायर थे बट आल्सो अ म्यूजिशियन, बल्कि एक मौसीकार भी थे। ही फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन म्यूजिक, आपको मौसीकी में बड़ा सुकून मिलता था। हिज स्किल इन दिस आर्ट इनेबल्ड हिम टू मेक मेनी इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इन द डिफिकल्ट ऑफ म्यूजिक ऑफ हिज टाइम। इस पर मैं महारत ने उन्हें इस काबिल बना दिया कि आप अपने वक्त की मुश्किल मौसीकी में कई तब्दीलियां और इस्लाहत की। As everything else, he also loved simplicity in music and musical instrument. हर चीज की तरह आपको मौसीकी और मौसीकी के आलात पे सादगी पसंद थी। He did not agree with the idea that music should be difficult. वो इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं थे कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए। So he made it simple, लिहाजा आपने उसे आसान किया। He also invented a simple musical instrument and called it tamburo.
आप एक मौसीकी का आला भी ईजाद किया और उसे तंबूरों कहा। It was like an instrument used by the Arabs, but the number of string was different. ये बिल्कुल उसी तरह के का आला था जैसे कि अरब यूज करते थे उस जमाने में, लेकिन तारों की तादाद मुख्तलिफ थी। To this day, the tamburo is popular all over Sindh. आज भी तंबूरों पूरे सिंध में मशहूर है। Old and young people play it. बूढ़े और जवान लोग इसे बजाते हैं। एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ लतीफ, इट्स सिंपल बट मूविंग ट्यून्स, और इसकी सादा मगर मुतासिर करने वाली धुन पर गाने गाते हैं। लाल लतीफ डाइड इन 1165 हिजरा ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड एंड वाज बरीड देयर। लाल लतीफ का इंतकाल 1165 हिजरी में उसी किले पर हुआ जहाँ आप रहते थे और वहीं आपको दफन किया गया। A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kanhodo, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. Sindh के मशहूर बादशाह गुलाम शाह कनहोड़ो को आपसे इतनी अकीदत थी कि आपने कि उसने आपकी कब्र पर मकबरा तामीर करवाया। Latif's devotees collected his poetry and his collection came to be called Risala of Shah Abdul Latif. Latif के चाहने वालों ने आपकी शायरी को जमा किया और उसको शाह अब्दुल लतीफ के रिसाले का नाम दिया। He was a poet of the people. आप अवामी शायर थे। So he wrote poetry in the language of the common man. लिहाजा आपने शायरी भी आम आदमी की जबान में की। This collection of poem is so valued that it has been translated into many languages. आपकी पोयम का नज़मों का ये मजमूआ इतना कीमती है कि उसका कई जबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। One great quality of Latif's poetry, besides its simplicity, is its moving music. Latif की शायरी की एक बड़ी खूबी उसकी सादगी के साथ साथ उसकी मुतासिर करना मुतासिरकुन धुन भी है। When you listen to it, जब आप उसे सुनते हैं, even if you don't understand a word of it, अगर आप उसका एक लफ्ज भी नहीं समझ पाते, you will be moved by its melody. आप उसके नगमे से जरूर मुतासिर होते हैं। Latif's urs is held at his shrine every year on the 14th Safar, the second month of Muslim calendar. Latif ka urs unke maqbare par har saal 14 Safar ko islami mahine ke dusre mahine mein hota hai. Many thousands of people gather listen to the sand song sung on the tamburo. हजारों लोग वहां जमा होते हैं, तंबूरों पे नगमे सुनते हैं एंड ऑफर देयर प्रेयर्स और वहां पर इबादत करते हैं। मेनी लर्न मेन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ्स लाइफ एंड हिज पोएट्री। पढ़े लिखे लोग लतीफ की जिंदगी के बारे में और उसकी शायरी के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली अ लाइब्रेरी, अ रेस्ट हाउस एंड अ म्यूजियम हैव बीन बिल्ट। हाल ही में एक लाइब्रेरी, एक रेस्ट हाउस और एक अजायब घर भी वहां बनाया गया है। The shrine itself has been rebuilt. मकबरे को दोबारा तामीर किया गया है and connected with the main roads और main line से main सीधी सड़क से मिला दिया गया है। Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif. उसका white सफेद गुंबद लतीफ की अजमत और पाकीज़गी को जाहिर करता है। Can be seen from many kilometers. कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बेटा ये आपका दूसरा लेसन था शाह अब्दुल लतीफ के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग जो उसको खुद भी घर में रीड करेंगे भी ट्रांसलेशन के साथ इसके एक एक वर्ड्स मीनिंग को देखिएगा। जो भी मसला है आप स्कूल में ऑफिस में आकर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बच्चों आप लोग अपनी स्टडीज जो है वो घर में शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें। जो जो आप लोगों को समझाया जा रहा है, जिस तरह से गाइड किया जा रहा है, उस हवाले से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो स्कूल ऑफिस में आकर रब्ता करें। टाइम ज़ाया ना करें बेटा, आप टाइम ज़ाया करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप ये सोचें कि स्कूल बंद है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं है, तो ना ही मैट्रिक के एग्जाम्स जो है इंतजार नहीं करते किसी भी चीज़ का। पेपर अपने वक्त पर शुरू होंगे इंशाल्लाह आप लोगों के, नाइन के मैट्रिक वालों के, लिहाजा जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके जो सवाल जवाब है वो इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को अभी थोड़ी देर बाद ही व्हाट्सअप कर दूंगी। और जो है एक्सरसाइज वगैरह भी आप उसको देख लें, जिसको नहीं मिल रहा है वो रब्ता करें ताकि जो है किसी भी किस्म की आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।